ये तमाम नकोश हैदर नामी शख्स जिसका तखल्लुस निगारी था उसकी यादगारें हैं आका। निगारी नहायत बासलाहियत और तख्लीकी कुव्वत से मालामाल है, एक शानदार फनकार। मैं भी यही कहना चाहता था आका, मैं भी आपका हम ख्याल हूं आका। आजकल सर जमीन खुरासान के उस्ताद अका मेरिक के कीमती नवादरात का काफी चर्चा हो रहा है। मैंने कोशिश की मंगवाने की लेकिन कामयाब ना हो सका। क्यों ना हो सके? महमद पाशा कौन मेरे शहजादे की ख्वाहिश को रद्द कर सकता है? आखिर कैसे हो सकता है? आका मेरिक नामी उस्ताद है, तहमास के महल का हुक्म मानता है, वो सिर्फ शाह के लिए काम करता है ये कहा जाता है मेरे आका। ये कहो सिर्फ तहमास की खिदमत करता है वो? तहमास का इख्तियार जब खत्म हो जाएगा तो मैं उस उस्ताद से मिलना चाहूंगा, शहजादे की फरमाइश पूरी ना करने का जवाब मांगूंगा। आओ मेरे आका, रुस्तम पाशा आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। आने दो। इंशाल्लाह मसीह पसंद आया होगा। हाँ ये बहुत खूबसूरत शहर है। मेहरुन्निसा खातून का शुक्रिया, बहुत ख्याल रखा, हम साथ घूमते रहे। मैं यहाँ आपसे जो नाराजगी हुई थी उसे खत्म करने आई हूँ बिरादर। मालूम है आपकी नस्बत मैं सलीम और बयाजत के साथ ज्यादा रही हूँ, इसलिए आपको समझने का मौका नहीं मिल सका। मैंने जब होश संभाला तब आप अपनी रियासत जा चुके थे। मेरा बचपन सलीम और बयाजत के साथ गुजरा, उन दोनों के ज्यादा करीब रही, लेकिन इस गुर्बत के सबब आपसे दुश्मनी हो मैं ये नहीं चाहती। मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूं, क्योंकि बेमाने झगड़ों और दुश्मनी से कभी भी किसी को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। दुरुस्त कहा आपने, आखिरी मुलाकात में काफी बदमस्की हुई थी, मैं भी परेशान थी, ना चाहते हुए वो सब हुआ। मैं चाहती हूं कि आप सब कुछ भूल जाएं, हमारे दरमियान मोहब्बत कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं तो भूल भी चुका हूं अंशीरा। मेरे आका, तहकीकात के लिए सरहद अजम के मशरिकी सिमत के हमारे मुहाफिज गफ्फार साहब को भेजा था, वो लौट कर आ चुके हैं। मैंने इस मसले की तफसीलात उनसे मालूम की हैं, लेकिन सूरत हाल काफी परेशान कुन है। अगर आप मुनासिब समझें तो गफ्फार साहब यहां मौजूद हैं, शर्फ मुलाकात चाहते हैं आपसे। आने दो। क्या देखा तुमने? जो भी जानते हो बताओ। आका, तहमास ने हमारी सिपाह के इस्तांबुल पहुंचने के बाद हमारे मशरकी इलाकों में दाखिल होकर आदिल जवार, आरजिश, बारगरी और अहलाद में संगीन खिलाफ वर्जियां की हैं, बल्कि इलाकों को नजर आतिश भी किया। उसके बेटे इस्माइल मिर्जा ने अर्जरम के अतराफ में हमला किया। मेरे आका, तमाम लोग मदद के मुंतजर हैं। ये कैसी जुर्रत है? जब हमारी तुर्क सिपा दियारे अजम में फतह पर फतह हासिल कर रही थी तब ये तहमास फरार होकर पना ढूंढता फिर रहा था, और अब सरहदों को खाली पाकर सल्तनत आलिया की सरजमीन पर हमले कर रहा, उसे संगीन सजा दी जाएगी। रुस्तम पाशा तैयारी शुरू की जाए। जो फरमान मेरे बादशाह सलामत का। नरगिसा कितनी बड़ी हो गई है, खूबरू दोशीजा बनती जा रही है। महमद अभी से बहुत दिलीर है, इंशाल्लाह आपकी तरह माहिर फने हर्ब बनेगा। वो एक जंगजू शहजादा होगा ये आश्कार है, वो एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में तेग थामे रहता है। आओ
शहजादे, शहजादी, खैरियत तो है? अब्दुल्ला कोई अहम खबर लाए हो क्या? मैं भी आता हूं अमशीरा, तुम आओ मेरे साथ। क्या बात है अब्दुल्ला? पाया दस से खबर आई है शहजादे, पीरी रईस ने तहरीर किया है कि रुस्तम पाशा दयारे आजम के सफर का हुक्म हासिल करने के लिए जान तोड़ कोशिश करता रहा। आखिर इसकी वजूहत क्या है? मालूमात नहीं, लेकिन इनको इस साजिश की जा रही है ये आशकार है। तदबीर को हाथ से जाने नहीं देंगे अब्दुल्ला, अच्छी तरह सोच विचार के बाद वो उसका फैसला करेंगे। चार बरसों से खामोशी छाई हुई थी शहजादे, और सूरत हाल बिल्कुल पुरअमन थी, तो ये जंग की बात कहां से निकल आई? और सरहद अजम तो हमारी निगरानी में है, कुछ होता तो हमें मालूम हो जाता। अच्छी तरह हादसे की तफसील मालूम करो अब्दुल्ला। इंतजार करवाया अमशीरा। कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे में जाकर तैयारी करती हूँ। मेहरुन्निसा के साथ मुझे घूमने जाना है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या हुआ मेहरमा, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? नहीं कोई बात नहीं। दयारे अजम के बादशाह मुतलक शाह तहमास मोहतरम, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, हमारे अजीम आका सुल्तान सुलेमान खान आपके खिलाफ बहुत जल्द सफर करने की नियत रखते हैं। मैं इस फैसले को खता पर मबनी कहूँगा। तुर्क बादशाह जहाँ और सफी खानदान में जंग नहीं, सुलह होनी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि सुल्तान सुलेमान खान की अलालत तवील हो चुकी है, अब वो दुरुस्त फैसला करने की हालत में नहीं है, ये आश्कार है। मैं उनका तख्त हासिल करना चाहता हूँ और अपने बाबा सुल्तान सुलेमान खान को उमूर सल्तनत से हटाकर उन्हें दीमो के भिजवाना चाहता हूँ। आपसे मिलने वाली मदद से मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा, मुझे यकीन है। इंशाल्लाह आप मेरा बढ़ाया हुआ हाथ वापस नहीं करेंगे। वस्सलाम, शहजादा सुल्तान मुस्तफा। आपकी क्या राय है मलिका? हरगिज़ बुरा नहीं है, इंशाअल्लाह तहमास ये मक्तूब मुस्तफा ने लिखा है यकीन कर लेगा और जवाब देगा इसका। हरगिज़ भी शक मत कीजिए। महरमा सुल्तान की बदौलत हम अजीम कारनामा अंजाम देंगे। भेजा हुआ जवाब शहजादे मुस्तफा का अंजाम साबित होगा।
जान छूटने वाली है। खैर तो है, सूरज बादलों की ओट में चला जाएगा, रोशनी तारीकी में डूब जाएगी, कयामत की अलामत है ये। अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। लुकमान, हुक्म फरमाइए मेरे आका। इस दरख्त को घुन लग गई है, ऐसी ही रहा तो ये फना हो जाएगा, इसको कोई हल नहीं है क्या? बोस्तानी सिपाहियों को खबर देता हूँ, दरख्त में दवा डालकर इसे बचा लेंगे। मगर इस तरह तो ये कीड़े मर जाएंगे। मजबूर है, वरना दरख्त खोखला हो जाएगा। इजाजत दीजिए तो मैं फौरन ये मसला हल कर लेता हूँ। मैं इन मासूम कीड़ों का अजाब अपने सर लेना नहीं चाहता। बेहतर होगा कि अबू सऊद साहब से पूछ लिया जाए, उनके पास यकीनन कोई ना कोई इलाज होगा। आपका जो हुक्म। उस्ताद चलेबी, आप इल्म और दानिश में एक मकाम रखते हैं। मैं जब भी किसी मसले से तो आपके इल्म और दानिश की रोशनी मुझे राह सुझ जाती है। एक बार फिर अपने इल्म और इरफान से मेरी रहनुमाई करें ताकि मेरा दिल मसरूर हो जाए। आज सुबह पाए बाग में चहलकदमी के दौरान मैं अपने अश्जार में से एक शजर का हाल देखकर परेशान हो गया। वो शजर बरसों पहले मैंने अपने हाथ से लगाया था, उसे कीड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे गुलाम उस पर दवा डालकर ये मसला हल करना चाहते हैं, मगर शजर के साथ हजारों कीड़ों की जिंदगी का भी मसला है। मैं आपसे इस बारे में मशवरा चाहता हूँ, आपकी क्या राय है उस्ताद चलेबी? अगर वो कीड़े शजर को नुकसान पहुंचाते हैं तो क्या मुझे उन कीड़ों से निजात हासिल कर लेनी चाहिए? सफर के सबब मैं अपनी फतह के बहुत करीब आ गई हूं। मुझे महसूस हो रहा है इब्राहिम पाशा से जिस तरह जान छुड़ाई थी, शहजादे मुस्तफा से भी वैसे ही जान छूटने वाली है। मलिका, कई मरतबा कोशिश करके देख लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हो सका, अब किस तरह आपको इस कदर यकीन है? हर अंदेशे और हर तरह के खतरे का अंदाजा लगाकर जो भी नतीजा बरामद होगा उसके बारे में सोच लिया है। तहमास भी सोचकर जरूर जवाब देगा कि यह मकतूब शहजादे मुस्तफा ने भेजा है, इसमें कोई शुबा नहीं। वो मकतूब हमारी आजादी और शहजादे मुस्तफा की फांसी का फरमान होगा महमूद। इंशाल्लाह पाशा। निहायत मुश्किलात और परेशानियों के बाद अब तारीख को बदलने का मौका मैसर आया है। नादिर ही सही मगर शानदार मौका है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सब कुछ तुम पर मुनसिर होगा जालिम महमूद, बाएतमाद साथियों के साथ रवाना हो जाओ। दियारे अजम से आमसिया जाने वाले तमाम रास्तों पर पहरा लगाओ और शाह की जानिब से आने वाला मकतूब लेकर आओ। दरिया का रुख तब्दील करने वाले तुम होगे। जो हुक्म पाशा मोहतरम। वो मकतूब बहर सूरत हासिल कर लूंगा। सुलेमान हुरम,
क्या हुआ, क्यों परेशान हो? सुबह तक एक बहुत भयानक ख्वाब देखती रही मैं। आओ बैठो। खैरियत तो है? खैरियत है, आपको देखा। आप तन्हा किसी तारीख जगह पर हैं, आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं, जैसे कोई मुजरिम हो आप। हमारा खुदा ही मदद फरमाए हमारी। ऐसे बिला वजह परेशान मत हो। मुझे जिंदान में डालना, मुजरिम बना देना किसी के भी बस में नहीं है। आपकी जिंदगी और आपकी सांसों से कीमती कोई भी शय नहीं हो सकती है मेरे लिए मेरे आका। हर शय पर राजी हूं, बस आप सलामत रहें। खुशी के लम्हात हैं। हम दोनों यहां दालान में बैठे हैं, तुम और मैं। हमारे जिस्म दो हैं, हमारे चेहरे भी दो हैं, मगर रूह एक है, तुम और मैं। ना ही तुम किसी किस्म का वजूद रखती हो और ना ही मैं रखता हूं। ना तुम ना मैं, तुम और मैं। कुदरत ने हमें एक कर दिया, मोहब्बत ने हमें एक कर दिया। मेरे आका, आओ लुकमान। उस्ताद चलेबी ने क्या पैगाम भिजवाया? अपने अजीम आका के लिए सलाम और एहतराम भेजा है, जल्द अज जल्द वो मकतूब का जवाब भेज देंगे। आला। इसके अलावा आका, नजूमी साहब आए हैं, आपसे मुलाकात चाहते हैं। कोई अहम मसला है जिसके बारे में बात करना चाहते हैं। हमारा हाल मुलाहिज़ा कीजिए पाशा, हमारी रसद में कमी कर दी गई है, भूखा रखा जा रहा है। जो कुछ सिपा के साथ हो रहा है क्या ठीक है? कौन बोल रहा था? जो भी कह रहा था सामने आ जाए, वरना उसका हिसाब सबको चुकाना पड़ेगा। मैंने कहा है पाशा मोहतरम, झूठ नहीं है ये, हमारे हाल से आप बाखबर हैं। अभी जंग भी शुरू नहीं हुई और अपने हाल की शिकायत कर रहे हो तुम? सफर के वक्त रसद कम हो जाती है बिल्कुल। तुम सफर के उसूलों से वाकिफ नहीं हो क्या? अगर किसी ने एक लफ्ज भी और कहा तो उसका सर कलम कर दूंगा, तुम सब याद रखना। को साबित कर दिया है। बताइए नजूमी साहब, क्या है इतना अहम मौजू? आका, हिसाब के मुताबिक अनकरीब ही चांद दुनिया और सूरज के दरमियान आ जाएगा। दिन एक लम्हे में रात में बदल जाएगा, आलम तारीकी में डूब जाएगा। आप क्या कह रहे हैं, इसका एहसास है आपको नजूमी साहब? चांद धीरे धीरे डूब जाएगा मलिका, सूरज दोबारा निकल आएगा, नई शक्ल में जाहिर होगा, लेकिन लेकिन क्या? हर चीज पहले जैसी होगी कि नहीं ये नहीं मालूम। ये हादसा हमारे मुस्तकबिल के लिए निहायत बुरी अलामत है। ऐ मेरे मालिक, हमारी मदद फरमा। इस सब का क्या मतलब हुआ मेरे आका? हुरम, सूरज साल भर एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में जाता रहता है,
इस तरह वो अपने मदार का चक्कर पूरा करता है। सूरज की हरकत एक लम्हे के लिए नहीं थमती, सूरज की हरकत का एक मयार मुतय्यन किया गया है और इसमें भी अल्लाह की यकीनन कोई ना कोई हिकमत होगी। नजूमी साहब, इस बारे में किसी से जिक्र न कीजिएगा, खास तौर पर आवाम से। वो परेशान होकर कहीं कोई हंगामा न खड़ा कर दें, ख्याल रहे इस बात का। और इसके साथ कुतुब इस्लाम में जो भी तहरीर है वो लाकर मुझे दिखाएं, खास तौर पर फरगानी की। उसूलियात इल्मे नजूम और तमाम सैयारों की हरकत और सकनात से मुतालिक एक किताब है, उसमें से तहकीक करें। आपका जो हुक्म। सूरज, चांद और सितारे, क्या वाकई ये सब मुस्तकबिल की खबर देते हैं खातून? कोई उनकी जबान में बात करना चाहता हो तो बिल्कुल। किस्मत हमारे रास्ते खोल रही है जानफिदा, शहजादा, शहजादा सलीम और मेरी खातिर, इंशाल्लाह खातून। खैरियत होगी। ऐसा भी क्या देखा है? चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ रहा है जानफिदा। तमाम जमीन तारीकी में डूब जाएगी। बहुत अजीब है, इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। कुछ देर पहले तो अच्छे और खैर के कलमात अदा कर रही थी अपनी जबान से, लेकिन अब कह रही है कि खैरियत की अलामत नहीं दिखाई दे रही। तमास्त को भेजकर मकतूब का जवाब कब मौसूल होगा, कोई मालूमात है क्या? वालिदा, दयारे अजम से कब जवाब आएगा, मैं ये पूछ रही हूं। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? क्या रुस्तम खबर नहीं भेजता तुम्हें? वो तो हमेशा मोहब्बत की, मुझसे अपनी चाहत की और हुर्मत की बातें करता है। अहम मसाइल के बारे में एक लफ्ज भी नहीं लगता वो। एक खातून को और क्या चाहिए? और तुम हरगिज फिक्र ना करो, इस मसले पर रुस्तम बजाते खुद तवज्जो दे रहा है। आपके ख्याल में आका शहजादे मुस्तफा के बारे में ये सब जानने के बाद क्या इकदाम करेंगे, क्या होगा? मेहरमा सब तनावें टूट जाएंगी, ये बात तो आश्कार है। बाकिया सब कुछ आका के इंसाफ पर मुनसर होगा, वो जो चाहेंगे सजा देंगे। ये हरगिज खैर की अलामत नहीं जानफिदा। कौन जाने, हो सकता है ये आरजी अंधेरा हमारे लिए रोशनी का सबब हो। शहजादे, आप ठीक तो हैं? मालूम नहीं नूरबानो, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुकुल्लू मोहम्मद पाशा ने मकतूब लिखा है। तो फिर? दयारे अजम के लिए सफर का ऐलान हो चुका है, हमें भी तैयार रहना होगा। अनकरीब दारुल हुकूमत में नायब के तौर पर जाने की जरूरत पेश आ सकती है। ये तो अच्छी खबर है। किस तरह अच्छी खबर है नूरबानो? पिछली बार जो कुछ हुआ वो भूल गई क्या? यनीचरों के हाथों जान जाने ही वाली थी। भूल जाए वो दिन। आका की बीमारी से फायदा उठाना चाहा था गाफिलों ने, किसी आवारा जानवर की तरह हमला आवर हुए थे वो आपकी जात पर। इस मर्तबा ऐसा नहीं होगा, नामुमकिन। आका ने अपनी ताकत और अपनी हिम्मत को साबित कर दिया है, अब वो ये जसारत नहीं कर सकेंगे। इसके बावजूद भी मुस्तफा बिरादर का बहुत असर है उन सब पर।
वो जब तक सांस लेते रहेंगे किसी और का हुक्म नहीं चलेगा। सलीम, अब वो ये जसारत नहीं कर सकेंगे। इसके बावजूद भी मुस्तफा बिरादर का बहुत असर है उन सब पर। वो जब तक सांस लेते रहेंगे किसी और का हुक्म नहीं चलेगा। सलीम, मैंने सितारों को देखा है, किस्मत हमारे साथ है। अगर एक सूरज डूबेगा तो दूसरा सूरज तुलू होगा और वो सूरज आप होंगे। क्या मालूम नूरबानो, हो सकता है वो सूरज मुस्तफा बिरादर हूं, वैसे भी वही सबसे करीब हैं तख्त के। हुरम सुल्तान और रुस्तम पाशा के हस्बे ख्वाहिश सब कुछ तय पा गया है शहजादे। ये एक बेसूद सफर होगा अब्दुल्ला, अफसोस। शहजादे, यह हमारे लिए एक मौका भी हो सकता है। इस्तांबुल से वापस आते हुए आका का रवैया आपके साथ बेहतर था। सल्तनत का नायब तैनात कर सकते हैं आपको, यह हो सकता है सफर में शामिल कर ले। मुझे हरगिज़ भी ऐसी बात की तवक्को नहीं थी शेली। आका आप कभी भी मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे, मुझ पर कभी इतमाद नहीं करेंगे। इजाजत है तो पायतख्त जाकर पीरी रईस से मुलाकात कर लूं। रईस मुझे इस मसले के बारे में मालूमात फराहम कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं अब्दुल्ला, तुम ऐसा नहीं करोगे। पीरी रईस उनके साथियों की सूरत हाल का मालूम ही है, उन लोगों के साथ रابطہ मत रखो। आका मुझे सल्तनत का नायब बनाने वाले हैं क्या इस बार? क्या राय है लाला? ऐसा होना जरा मुश्किल है शहजादे। ये बिल्कुल दुरुस्त है, आका की गैर मौजूदगी में सल्तनत संभालने की काबिलियत बजा तौर पर रखते हैं आप, लेकिन शहजादा सलीम नायब मुकर्रर हुए थे, इसीलिए वो आपसे एक कदम आगे हैं। तो फिर हम मैदान जंग में तलवार लहराएंगे, क्या कहते हैं? दरअसल सबसे ज्यादा अहम मुस्तफा बिरादर की सूरत हाल है, वो भी सफर में शामिल हो गए तो सरजमीन अजम पर उनकी मौजूदगी फायदेमंद होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ज्यादा उम्मीदें ना बांधे शहजादे, मेरी राय में वो अपनी रियासत में ही रहेंगे। दुरुस्त, रियासत में ही रहेंगे और खामोशी से ये सूरत हाल भी कबूल कर लेंगे। बाज़ औक़ात सोचता हूं मुस्तफा बिरादर की जगह अगर मैं होता तो क्या करता आपको मालूम है लाला? आवाम की मोहब्बत भी अगर मेरे साथ होती, यानीचर अगर मेरी जबान से निकले एक लफ्ज के इंतजार में होते, ऐसे में आप क्या करते शहजादे? मैं मुस्तफा बरादर की तरह सब्र का मुजाहरा नहीं करता, यह आश्कार है। क्या इस मरतबा कोई फायदा होगा मुझे? शहजादे को औलाद की खुशी दे सकूंगी क्या? इंशाल्लाह शहजादी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो हमारी दुआएं कबूल होंगी इंशाल्लाह। सलामत रहें शहजादी। तुम जा सकती हो शहजादे। हूर जहां, खातून क्यों आई थी यहां पर? बुरा लगा क्या तुम्हें? नहीं, मुझे हरगिज बुरा नहीं लगा हुरजा। अगर तुम ये सब जारी रखना चाहती हो और ये सोच रही हो कि इससे कोई फायदा होगा तुम्हें, तो इसे जारी रखो। मुझे यकीन है बयासत, एक दिन मैं जरूर तुम्हें लख्त जिक्र अदा करूंगी अल्लाह के हुक्म से। तुम्हें मैं पहले भी समझा चुका हूं, बेसबब परेशान मत रहा करो। वैसे भी महल के बागीचे और कमरों में बच्चों का शोर और गुल कुछ कम नहीं है। अल्लाह तुम्हारी औलाद को तवील उम्र अदा करे, मैं उन्हें भी तुम्हारी तरह चाहती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे इस जहां में अपनी औलाद की मां बनने की भी खुशी हासिल हो। सफर अजम का ऐलान हो चुका है, अनकरीब में चला जाऊंगा। हिजर का अज़ाब फिर से ना होगा। आओ।
जहांगीर खुश आमदीद। जब से अमसिया से आई हो ठीक तरह से बात नहीं हो सकी। मुस्तफा ब्रादर से नाराजगी खत्म हो गई। और कितनी बार बताऊं तुम्हें, हमारे दरमियान अब कोई मसला नहीं, नाराजगी खत्म हो चुकी। तुम मुझसे क्यों ये सवाल पूछते रहते हो? मालूम नहीं महरमा, महल में हर कोई परेशान है। क्या होगा क्या नहीं ये सोचे बगैर सफर का फैसला किया जा चुका है। रुस्तम पाशा लश्करगाह में है, आका से मुलाकात नहीं हो पाती। वालिदा तो बिल्कुल ही खामोश सी हो गई हैं, और तुम कतरा रही हो मुझसे। मैंने ऐसा महसूस किया, मुझसे खुफिया रखने वाली कोई तो बात है। तुम क्या बात कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही बिल्कुल। खैर जो भी होगा इंशाल्लाह मुस्तफा बिरादर से मुताल्लिक नहीं होगा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार वालिदा, रुस्तम पाशा और तुम्हें समझूंगा। काश कि उन्हें जितना चाहते हो हमें भी उतना ही चाहते। इस बात का सबब जानना चाहता है हर कोई, मुझे क्यों इतनी मोहब्बत है उनसे। इस पर मैंने भी बहुत सोचा, उसके बहुत से असबाब हैं, लेकिन तुम्हें मैं सबसे अहम सबब बताता हूं। उनके हमरा में अपनी कमजोरी भूल जाता हूं, क्योंकि मुझे उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया। जिंदगी में एक बार भी मुझसे इस कमजोरी पर कोई बात नहीं की। काश कि तुम लोग भी उनकी नजरों से देख सकते मुझे। मैं कोई भी काम मुकम्मल नहीं कर सकी मैले, और अब जिस शख्स को जानती नहीं पहचानती नहीं उसकी जौजा बनने वाली हूं मैं। ये तो आका का हुक्म है शहजादी, इसमें भलाई होगी, और आपके मंगेतर अहमद पाशा आपके हक में सबसे बेहतर होंगे। उनकी बहादुरी और उनकी मर्दानगी की लोग तारीफ करते हैं। सुनो, अगर वाकई ऐसी बातों से कोई फायदा होता तो रुस्तम वजीर आजम नहीं होता और सुकुल्लू कभी भी इस दरबार का हिस्सा नहीं बन सकता था। अहमद पाशा हुरम के साथियों के मुकाबले ठहर सकता है क्या? वो मुस्तफा के साथ है या नहीं, मुझे इसकी खबर चाहिए। इतना तो मैं नहीं जानती शहजादी, लेकिन जो कुछ भी मैंने सुना है वो उनकी अच्छाई जाहिर करता है। सच पूछो तो ये सब वाकई बहुत बुरा हुआ है फारिहा। महल का सारा बोझ तुम्हारे कांधों पर आ पड़ा है, अब मैं भी अकेली रह गई हूँ। बस मैं होता तो आपको एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। अफीफा खातून की मौत से होने वाला खला तुम्हारे सिवा कोई पुर नहीं कर सकता, संभल भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम पर एतमाद करती हूँ। फातिमा सुल्तान कारा अहमद पाशा से मिली थी क्या, इस बारे में कुछ जानती हो क्या? वो कल मुलाकात के लिए जाएंगी मलिका। पाशा की हिम्मत पे हैरत है मुझे बहुत। मालूम ही है फातिमा सुल्तान एक दरिया की तरह है, आज तक उसके सामने जो भी आया डूब गया, खत्म हो गया। रुस्तम पाशा की कोई खबर आई क्या? अक्सारे में लश्करगाह में हैं आका, उससे आगे की मंजिल के लिए तैयारी कर रहे हैं। आला, मुवाफिक होगा इंशाल्लाह। तहमास को इस बार फरार का रास्ता नहीं मिल पाएगा। फतह अल्लाह की इनायत से हमारी होगी आका इंशाल्लाह। अहमद पाशा, हुक्म कीजिए आका। बताओ तुम क्या सोचते हो सफर के बारे में? ये मुश्किल सफर होगा ये आश्कार है मेरे आका। हालात तो आप जानते ही हैं, पहाड़ों के दुश्वार गुजार रास्ते हैं। आपके वजीर महमद पाशा इस फतह के लिए बहुत एतमाद से बात कर रहे हैं, लेकिन अफसोस के मैं इनका हम ख्याल नहीं। यकीनी फतह किसकी होगी ये बात पोशीदा है।
तुम्हें यूं ही कारा अहमद नहीं कहते, इस नाम के हकदार हो या आशकार है। तुम जैसे बाहिम्मत और जहीन सरदार की मुझे हमेशा जरूरत रहेगी। अहमद पाशा, कोई मसला है क्या हैदर पाशा? रोमैली के हाकिम साहब की तरफ से खबर आई है। मुलाकात की गुजारिश को कबूल तो नहीं कर लिया? अपने घर पर आपके मुंतजिर हैं। शहजादी, अपने मंगेतर अहमद पाशा के साथ तालुकात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। कुछ भी हो, आप हकदार थी, आपने अजीम सदमा झेला है शहजादी। पहले मुस्तफा पाशा, उसके बाद अलकास मिर्जा, अल्लाह दुख से बचाए इस बार आपको। इंशाअल्लाह इस दफा आपको खुशियां नसीब होंगी। जो मुसीबत से दोचार होता है उसे खुदा मिल जाता है। मैं अपनी मोहब्बत ढूंढूंगी तो पा लूंगी, मैं मुतमईन हूं। दरअसल तुम मोहतात रहो, मुसीबत से बचाओ खुद को, कहीं मुसीबतों का पहाड़ ना टूट पड़े। अजीम मकाम के मसाइल भी अजीम होते हैं। मैं पूरी सच्चाई से कह रही हूं शहजादी, इंशाअल्लाह इस बार आपका निकाह हो जाएगा और रुखसत हो जाएंगी। अगर इस मर्तबा भी अपने शोहर को खो दिया आपने, तो आपका नाम खुशी की नहीं गमों की शहजादी रखा जाएगा। पाशे से मैं बिल्कुल शादी करूंगी, यकीन करो मेरा, वो मेरे दोस्त का दोस्त और मेरे दुश्मनों का दुश्मन होगा। तो फिर आपको अभी से ही गमों की शहजादी का लकब देती हूं मैं, शहजादी। शहजादी, क्या बात है मलिक? अहमद पाशा ने खबर भेजी है, वो उमूरे सल्तनत में मसरूफ है, माजरत कर रहे हैं आज नहीं आ सकेंगे। आओ। अहमद पाशा मोहतरम तशरीफ लाए हैं। पाशा मोहतरम, यहां आकर रौनक बख्शी आपने। बहुत शुक्रिया उस्ताद साहब, आफियत से होंगे आप अल्लाह की रजा से। काफी अरसे से आप तवज्जो का मरकज हैं पाशा। दरबार में आपकी मौजूदगी, हौसलामंद रवैया और मैदान जंग में आपकी सलाहियत सब काबिल तारीफ हैं। इस अजीम सल्तनत को आप जैसे बहादुर पाशा सिपह सालार की जरूरत है। आपकी जरा नवाजी है। शहजादा मुस्तफा मोहतरम के लिए काम करने, उनके दोस्तों में शिरकत के लिए क्या आप तैयार हैं पाशा? जी बिल्कुल तैयार हूं, शहजादे की खातिर मेरी जान भी फिदा। रब उनका रास्ता आसान करे, उनकी तेग तेज धार करे। आमीन। इंशाअल्लाह बहुत जल्द शहजादे मुस्तफा के दोस्त के तौर पर हम सब यकजा होंगे पाशा। उनके यकजा होने वाले दोस्तों में आगा सिपह सालार और रईस शामिल है। आपको अपने दरमियान पाकर सब खुशी महसूस करेंगे। शर्फ होगा। कौन है वहां? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तूफान आगा,
आगा, बशीर आगा, तूफान आगा को मार दिया है। कौन जरूरत कर सकता है इसकी? मुझे इसी हालत में मिले हैं आगा। रुस्तम पाशा का काम है ये। और किसका हो सकता है? दुश्मनी निकाली है जाहिर है। ये नीचे का खून रायगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। रुस्तम पाशा को इसका हिसाब देना होगा, हिसाब देना होगा। आओ मेरे आका, अहमद पाशा तशरीफ लाए हैं। आने दो। मेरे आका आओ। अहमद पाशा करीब आओ। क्या है सूरत हाल? हाकिम साहब ने क्या कहा, कुछ मालूम हो सका? कई माह से जारी तहकीकात का आखिरकार नतीजा बरामद हो ही गया मेरे आका। जैसा कि अंदाजा था, रुमैली के हाकिम साहब एक खुफिया इत्तेहाद में शामिल हैं और उसमें बुलंद मकाम पर हैं, यह आश्कार है। जो भी कहा है वो बताओ। उन्होंने खुद को शहजादा मुस्तफा के दोस्त के तौर पर जाहिर किया है। जल्द ही एक खुफिया इजलास मुनक्द होगा। मुझसे भी शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं। शहजादे मुस्तफा के दोस्त हैं क्या वाकई? और शहजादे को इन सब की खबर है क्या? सल्तनत में एक और सल्तनत बना रहा है। मेरे इख्तदार को खत्म करने वाले इन गाफिलों को क्या वो हिदायत जारी करता है? कोई हतमी सबूत हासिल करना हरगिज मुमकिन नहीं है मेरे आका। मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाए, इसकी जरूरत है या नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि शहजादे को उन लोगों के बारे में मालूम होता तो वो जरूर इस सूरत हाल पर काबू पा लेते। मालूम करना होगा पाशा। शहजादे को उन लोगों का इल्म है या नहीं ये मालूम करना होगा। तुम जा सकते हो। आपका जो हुक्म। फौरन हालात संभालो। ठहर जाओ आगा। कैसा शोर रही है? अली आगा और तूफान आगा मारा जा चुका है। हम जानते हैं किसने मारा है। सबर नहीं होता अब हमसे। रुस्तम पाशा को इसका जवाब देना होगा। तुम कैसे कह सकते हो कि रुस्तम पाशा ने करवाया? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत की क्या जरूरत है? गुज़िश्ता रोज सबके सामने आगा ने जो कुछ भी कहा था सबने सुना था। वो उन्होंने खुल्लम खुल्ला धमकी दी थी। हम फाके कर रहे हैं और हमारा वजीफा भी अदा नहीं किया गया। और सिर्फ यही नहीं, अब हमारा कत्ल भी शुरू कर दिया गया है। इसे कबूल नहीं किया जा सकता। माजी में भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं, ये पहली बार नहीं। सल्तनत पर काबिज हो गया है, अपने भाई को अमीरुल बहर बना दिया। आका भी नहीं है, क्या वो जंग में शामिल नहीं होंगे? शहजादे मुस्तफा अगर सरबरा होते तो ये साहिब इकबाल रुस्तम पाशा हरम का आगा कभी नहीं बन सकता था। मुझे हमें जवाब देना होगा। ठहर जाओ आगा, ठहर जाओ। ये खुली बगावत समझी जाएगी। तुम सबके सर कलम हो सकते हैं। कौन कलम करेगा हमारे सर? रुस्तम पाशा आग भी होता तो एक पत्ता नहीं जला सकता। तुम किसकी तरफ हो आगा? हट जाओ हमारे सामने से। पुरसुकून रहो। बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन किसी भी गलत हरकत की वजह से हमारी जान जा सकती है, हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाता हूँ उनके पास, रुस्तम पाशा से बात करता हूँ। उनके पास जरूर कोई वजाहत होगी। अगर मेरी बात ना सुनी और अपनी मर्जी चलाई उन्होंने, उसके बाद उनसे जवाब मांगेंगे। समीर आगा ने सही कहा, अकल से काम लेने में ही फायदा है। वजीर आजम मोहतरम। हाँ कहो। हर चीज आपके कहने के मुताबिक हो रही है। आला, आपसे गुस्ताखी करने वाले तूफान आगा की जान मैंने बजाते खुद ली थी। यानी चर उसका जिम्मेदार आपको समझ रहे हैं। तकदीर कामयाब रही, सिपाही एहतजाज कर रहे हैं पाशा। शहजादे मुस्तफा का नाम लेने वाले भी मौजूद हैं इनमें। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होता अगर शहजादे यहाँ मौजूद होते। मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहता था, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा काम किया तुमने अली आगा। अब हमें एहतियात से काम लेना होगा पाशा। अगर ये सिपाही हमारे मुकाबले खड़े हो गए तो मैं भी इन पर काबू नहीं पा सकता। देखो वो आ रहा है।
आगा, रुस्तम पाशा से बात हुई है मेरी। तूफान आगा की मौत के बारे में उन्हें कोई मालूमत नहीं है, लेकिन वो फौरन इस मामले पर तवज्जो देंगे और जिसने भी ये किया है उसे ढूंढकर बसाते खुद कड़ी सजा देंगे। कैसे हो सकता है आगा? और कौन ऐसी हरकत कर सकता है रुस्तम पाशा के अलावा? इसमें इन्हीं का हाथ है, इन्होंने ही करवाया है ये। तुम लोगों में से किसमें इतनी हिम्मत है कि तूफान आगा के कत्ल की गवाही दे सके? यहाँ बेशुमार लोग मौजूद हैं, हो सकता है उनमें से किसी ने ये कत्ल किया हो। रुस्तम पाशा, आप सबकी भलाई चाहते हैं, वो सबका वजीफा बढ़ाना चाहते हैं, उसकी बरवक्त अदायगी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, और आप सब लोग यकजा होकर उनके खिलाफ बगावत का सोच रहे हैं। समीर अली बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है आगा। रुस्तम पाशा के साथ मिला हुआ है। मुझे इस पर भरोसा नहीं, हमारा हक हमें खैरात की तरह देना चाहता है। हमें अब चलना चाहिए। साहिब कुदरत और सआदत फातेह आलम सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम, मैं इस बात का बेहद ख्वाहिशमंद हूँ कि आपको अच्छी खबरें सुनाऊं। अफसोस के ऐसा मुमकिन नहीं है। ये नीचा सरकशी पर आमादा हैं और बगावत करने के लिए मौका तलाश कर रहे हैं। अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि इसके पीछे शहजादे मुस्तफ़ा से उनकी बेलौस वफादारी कार फरमा है। शहजादे मुस्तफ़ा का नाम हर वक्त उनकी जबान पर जारी रहता है। इस लश्करे जरार की सरबराही आप जैसे अजीम आका करें तो यही हम सब के लिए सूदमंद होगा। पाया तक जाएगा ये मकतूब, जितनी जल्दी आका तक पहुंचा सको उतना ही अच्छा होगा। ग्रहण किस वक्त रूनमा होगा नजूमी साहब? इसके दुरुस्त वक्त का हिसाब लगाना आसान नहीं है आका, लेकिन अनकरीब होना है ये। इसके असरात क्या होंगे, कुछ अंदाजा है क्या? आफतें आएंगी ये तय है आका, जलजला, सैलाब, खुश्कसाली, कहत और अकल से मावरा बहुत सी मुसीबतें नाजिल होंगी मेरे आका। समझ गया, आप जा सकते हैं। मेरे आका, शेखुल इस्लाम अबू सऊद साहब ने आपके सवाल का जवाब इरसाल किया है। मुझे दो। कीड़े मकोड़ों को कोई जरर पहुंचे ये बर्दाश्त नहीं कर पाए मेरे अजीम बाख्तियार बादशाह, ये सवाल पूछकर आपके दिल में तकबर नहीं है, आपने ये बात एक बार फिर साबित कर दी। दरअसल मैं एक मुफस्सिल वजाहत के साथ जवाब अरसाल करना चाहता था, लेकिन मुख्तसर और जामे अल्फाज में जवाब देना ज्यादा मुनासिब होगा। सवाल, अगर शजर को साफ करने के लिए कीड़ों को मार दिया जाए तो क्या अमल नुकसानदेह होगा? और जवाब, जब कीड़े अल्लाह ताला के हुजूर जाएंगे तो सुलेमान से अपना हक जरूर मांगेंगे। आपका क्या हुक्म है आका, दवा डाल दी जाए क्या? छोड़ो, यूं ही रहने दो, क्योंकि उस्ताद चलेबी ने यही तजवीज किया है। आपका जो हुक्म मेरे आका। लाला शहजादे महमद से बहुत मुतमईन है, उनके मुताबिक ये बहुत ही जहीन है। अगर मेरा नन्ना शहजादा जल्दबाजी ना करे तो। महमद, मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ एक बहादुर शहजादे की तरह।
तुम वैसे भी बहादुर शहजादे हो मेरे प्यारे बरादर। नहीं मैं अभी नहीं हूँ, यूसुफ मेरा मजाक उड़ाता है। सुनने से पहले मैं बहादुर शहजादा नहीं बन सकता। मैं यूसुफ को उसकी औकात याद दिला दूंगी, तुम फिक्र मत करो। उसे मत डांटिएगा आप। अगर वाकई तुम अपनी सुन्नत करवाना चाहते हो तो जल्द ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। जिंदाबाद। अभी ये कम उम्र नहीं है क्या? नहीं है, मैं भी बहुत दिनों से यही सोच रही थी। मेरे शेर की सुन्नत का वक्त आ गया है। तो फिर तैयारी शुरू की जाए। तुम परेशान ना हो, मैं खुद सब इंतजाम कर लूंगी। यूसुफ को बता कर आता हूँ। ओहो बैठो मेहमत, पहले खाना खाओ बाद में चले जाना। ये बिल्कुल भी नहीं सुनता है। रईस, अहमद पाशा से मिली है, अब ये भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं। मेरी रईस, खुशामदीद पाशा, आपके शामिल होने से हमारी ताकत बढ़ गई। मारो जोर से और जोर से। हाँ ऐसे। शहजादे, शहजादे जहांगीर के अलावा पायतख्त से खबर देने वाला अब कोई नहीं रहा, कासिद भी नहीं कोई। अगर आप चाहें तो मैं जाकर मालूम करता हूं कि वहां हो क्या रहा है, आपको आगाह कर दूंगा। क्या हुआ पिसर? यूसुफ मेरा मजाक उड़ा रहा है, वो कह रहा है हम शिकार पर जाएंगे लेकिन तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे। आप इत्मीनान रखिए शहजादे, मैं अभी देखता हूँ। अब्दुल्ला जरूरत नहीं, शिकार की जगह तुम्हारे लिए खतरनाक होगी, कुछ अरसे बाद तुम्हें भी अपने हमरा ले जाऊंगा। लेकिन बाबा मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। मेरी बात मानो मेहमत। शहजादे तैयारी करो, अब्दुल्ला पायतख्त में जो कुछ हो रहा है मालूम करो। शहजादे मुस्तफा मोहतरम, तुर्क खानदान आलिया का मुस्तकबिल है, उनकी तख्त नशीनी हम सब की अजीम ख्वाहिश है, खास तौर पर रुस्तम पाशा जैसे सल्तनत का खून चूसने वाले से निजात पाने का यही वाहिद रास्ता है। शहजादे मुस्तफा, आपकी इस मदद से बेहद मुतमईन होंगे मेरे ख्याल में। ऐसा नहीं है शहजादे, इस पर बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है पाशा। हमारे इस इत्तेहाद में शामिल होने के बजाय वो इससे अलग है। अच्छा, शहजादे अपने दिफा के पेश नजर इसमें शामिल नहीं हुए, ये उनके लिए फायदेमंद भी होगा। सही वक्त आने पर आपको अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी अहमद पाशा, आप दरबार से हमारे लिए अहम खबरें लाया करेंगे। मतलब कि पीरी रईस, क्या तुम यकीन से कह रहे हो? अगर खुद अपनी आंखों से नहीं देखता तो कतन यकीन से न कहता आका, लेकिन हकीकत यही है। इंसान का असल चेहरा देखना बेशतर औकात मुमकिन नहीं होता आका। शहजादे मुस्तफा को भी इसकी खबर है क्या? अफसोस के साथ आका, वो जानते हैं, लेकिन पीरी रईस के कहने के मुताबिक शहजादे उनके खिलाफ हैं, उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखते। क्या मैं मुतमईन हो जाऊं? पीरी रईस ने जो कुछ किया उसकी सजा एक ही है, पीरी रईस को फांसी दे दी जाए। मेरे आका, पीरी रईस आपके हुजूर कबूलियत के मुंतजिर हैं। आने दो। अजीम बादशाह, मुझे याद फरमाया आपने। करीब आओ रईस। आज तक आपने जो खिदमत अंजाम दी उनकी बहुत कदर करता हूं। आपकी नवाजिश है मेरे आका। लेकिन आप जैसे तजुर्बेकार रईस का पाए तख्त में रहना मुनासिब नहीं है।
आप अपने इल्म को दुनिया भर में आम करें। आप जानते हैं कि बसरा और उसके अतराफ में पुर्तगाली कुफार की तादाद बहुत ज्यादा है। उनकी ताकत को सिर्फ आप जैसा तजुर्बेकार रईस ही कमजोर कर सकता है। इस वजह से आपको हिंदुस्तान में तैनात कर रहा हूं। शर्फ होगा आका, लेकिन मेरी उम्र आपके सामने है। इस बेशकीमत मनसब पर नाकाम होकर मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। आपसे हमें फायदा होगा, कोई शक नहीं। जल्द अज जल्द तैयारी करें और रवाना हो जाएं। आप जा सकते हैं। सकोलू मलिका, आखिर हो क्या रहा है? आका को पीरी रईस के कत्ल कर देने का फरमान जारी करना चाहिए था, गद्दारों का सर कुचल देना चाहिए था। आप तसल्ली रखिए मलिका, आका की नीयत तो यही थी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। इसका क्या मतलब? पीरी रईस ने जो कुछ किया उसकी सजा एक ही है, पीरी रईस को फांसी दे दी जाए। पीरी रईस एक अजीम आलिम है आका, अराकीन सल्तनत और दीगर लोग उनके मोतरफ हैं। कत्ल का फरमान जारी करना बहुत खतरनाक हो सकता है, और ये शहजादे मुस्तफा को भी मालूम हो जाएगा। सफर के दौरान बहुत मोहलिक हो सकता है ऐसा करना। तुम्हारा क्या मशवरा है? पीरी रईस को पायतख्त से कहीं दूर भेजना ज्यादा मुनासिब होगा आका। इस तरह वो अपनी कुव्वत खो देंगे, इत्तेहाद भी खत्म हो जाएगा। उनके साथ शामिल सालार, सूबेदार, पाशा हजरात को उमूर रियासत में उलझाया जा सकता है। उन्हें जो भी सजा देनी है आप सफर के बाद ही दीजिएगा मेरे आका। पीरी रईस और दीगर तमाम लोगों को फांसी देने से खासे मसाइल पैदा हो सकते हैं। मुलतवी करना बेहतर होगा मलिका, मुझ पर एतमाद कीजिए। तुम्हारी जहानत और काबिलियत पर हैरान ना होना मेरे बस में नहीं, तुम मेरे लिए कुव्वत का सरचश्मा हो। आपकी नवाजिश है मलिका। इसके अलावा रुस्तम पाशा की तरफ से मकतूब आया है जिसे आका तक पहुंचाना है। ये नीचा सरकशी पर आमादा है और बगावत करने के लिए मौका तलाश कर रहे हैं। अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि इसके पीछे शहजादे मुस्तफा से उनकी बेलौस वफादारी कारफरमा है। शहजादे मुस्तफा का नहीं। आओ। मेरे आका, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। सुलेमान। हाँ हुरम, बैठो। मैंने सुना है कि लश्करगाह में कोई हंगामा हुआ है। तुम्हें कहां से खबर मौसूल हुई? मेहरमा को मकतूब मौसूल हुआ है, वो काफी परेशान और फिक्रमंद है। यनीचर आखिर किस तरह आपके वकील मुतलक के खिलाफ सर उठा सकते हैं? इन मामलात का जिम्मेदार रुस्तम पाशा है, वो इतना तजुर्बेकार है। यनीचरों से उसका ये तौहीन आमेज रवैया नाकाबिल कबूल है। लेकिन यनीचरों ने भी बगावत करना अपना शार बना लिया है, इसलिए इस पर बरहम होना बिला सबब है। वो ये जुर्रत जिससे ले रहे हैं उसे भी रोकना होगा। बादब, फातिमा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। शहजादी। मेरे खुदा, मैं तो समझी थी आप ज़ईफ शख्स होंगे, क्योंकि मुझे बताया गया था कि आपका लकब तारा है। वो मेरी आंखों की गहराई की वजह से कहा जाता है।
मैदान जंग में मेरी जुर्रत से मुतासिर होकर मुझे ये लकब अदा किया गया है। बहुत खूब। आखिर मुलाकात हो गई। माजरत चाहता हूं, उमूर सल्तनत में मसरूफियात की वजह से मैं पहले ना आ सका। आपसे शादी करना आका की ख्वाहिश है, इसलिए मैंने कबूल कर लिया पाशा, वरना दूसरी बार निकाह करना तो मैंने अपने ख्वाबो ख्याल में भी ना सोचा था कभी। आका को इंशाल्लाह मैं हरगिज शर्मिंदा नहीं होने दूंगा और ना ही आपको। आका के नजदीक आप वाकई बेशकीमत हैं, बहुत। वो आपको साथ रखना चाहते हैं। खुदा आपको तरक्की अता करे। आमीन। अगर आपको कुछ और नहीं कहना तो मुझे महल वापस जाना होगा। अब नहीं जा, यानी मैं माजरत चाहता हूं, आपको इस तरह रूबरू पाकर तमाम बातें मेरे जहन से निकल गईं। एहतियात कीजिए, कहीं होश ना गवा बैठे। माशाल्लाह अच्छा है, पुरकशिश शख्सियत का मालिक है, लेकिन दिल की बात को जबान पर नहीं ला सकता। ऐसे शख्स के साथ निभा होना मुश्किल है। हमारे बुजुर्ग मरहूम सुल्तान सलीम खान बरहम होकर कब क्या कर बैठे, वो ऐसे मिजाज के बादशाह थे। आगा को सबसे अजीम खौफ उन जैसा बनने से था। ये खौफ हकीकत बन गया कि नहीं, इसका जवाब देना मुश्किल है, लेकिन ये बात तो आश्कार है कि वो अपने बाबा की तरह जंगजू बहादुर और मगरूर है। और तुमने आका की सिर्फ अच्छी आदत को अपनाया है मुस्तफा। अल्लाह ने तुम्हें गुरूर और सफाकी नहीं दी, उसकी बजाय आजजी और वफादारी अदा की है। तुम्हारी औलाद मेहमत भी तुम्हारा ही अक्स है, बहादुर और अपने बाबा की तरह हसास। लम्हे भर के लिए तुमसे रहता होना नहीं चाहता। आप इन बातों के जरिए जो कहना चाहती हैं मैं समझ गया हूं, उसे भी शिकार पर ले जाओ आप ये चाहती हैं। जन्नत के बाद काफी दिनों तक उसे बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा, अब जब मौका है तो उसे अपने साथ ले जाओ। बहुत जिद कर रहा है, दिल तोड़ना अच्छा नहीं। अंदर है, अब उसकी खुशी सिर्फ तुम्हारे ही हाथ में है। वो जितने कम उम्र में शिकार पर जाएगा उतना बेहतर होगा। इतनी जिद ना करो, तुम शिकार पर नहीं जा सकते, और हमें तो सुन्नत की अदायगी के लिए तैयारियां भी करनी है ना। महमद, मैंने सुना है कि आज शिकार पर जाने के लिए सारा महल सर पे उठा लिया है। बहुत तंग आ गया हूँ मैं आपके हर वक्त के समझाने से। अपनी वालिदा से बात करो, अगर वो राजी हैं तो मैं अपने साथ चलने की इजाजत दे दूंगा। मजा आ गया, शिकार पर जा रहा हूँ मैं। इसे क्यों साथ ले जा रहे हैं? अगर ना ले जाए तो कोई मसला नहीं होगा। मैं बुरे ख्वाब देख रही हूँ कि कहीं कोई आफत या परेशानी ना पड़े। मैंने अपना दिल आफतों की राह को सर पर रख दिया, और मैंने उन तमाम की रूह को खोल दिया है जो मेरे दिल को बांधे रखती थी। वालिदा। जहांगीर, तुम मेरे कमरे में किस तरह बाहर इजाजत आ सकते हो?
आका को लश्करगाह से मकतूब मौसूल हुआ है। रुस्तम पाशा फिर से ब्रादर को कसूरवार ठहरा रहे हैं। सुना है कि उन्हें हदफ बना रहे हैं। मुझे बताएं क्या यह सच है? जहांगीर तुम दखल मत। मैंने तुमसे बात नहीं की है मेहरमा, वालिदा से सवाल किया है। मुस्तफा ब्रादर को तुम मुसलसल मकतूब भेजते हो, उनके लिए जासूसी करते हो और फिर तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। मुझे हर बात की खबर है, जो कुछ भी करते हो तुम। रुस्तम पाशा पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। लश्करगाह में अगर कोई हादसा रूनुमा हुआ है तो, और अगर उसके पीछे तुम्हारा ब्रादर मुस्तफा मुलविस है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। मैंने सुना है आजकल बास पाशा हजरत और रईसान पाए तख से बहुत दूर रियासतों में तैनात किए जा रहे हैं। कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मैं बेखबर हूं। अपने कमरे में जाओ जहांगीर, हर बात जाननी जरूरी नहीं, यही सबसे बेहतर है। अफसोस तो यह है वालिदा कि जो आपके लिए सबसे बेहतर है वो मेरे लिए नहीं। क्या हुआ शहजादी? मैंने उस पर नाहक तनकीद कर दी। अहमद पाशा तो बहुत तारीफ के काबिल निकले। उनका मकतूब पढ़ने के बाद मैं उन्हें जानना चाहूंगी। मैंने बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। लगता है कीड़े खा रहे हैं इस दरख्त को। दवा इस्तेमाल करने से मैंने रोक दिया। अबू सऊद साहब से सवाल किया था कि किसी दरख्त पर लगे हुए कीड़ों को मारना जायज है क्या। अबू सऊद साहब ने कहा कि यह नाजायज है। एक दिन ये सब मिलकर कुदरत की अदालत में सुल्तान सुलेमान से अपने ऊपर होने वाले जुल्म का जवाब मांगेंगे। इस तरफ का क्या होगा फिर? उस दिन इसे खाकर खत्म करने वाले कीड़ों से हिसाब नहीं पूछा जाएगा क्या, या इजाजत देने वालों से? सुलेमान, आजकल बाज अफवाहें सुनने में आ रही हैं। ये जरूर झूठी होंगी लेकिन आपके इल्म में लाना फायदेमंद है। सुना है कि तहमास की हमशीरा बेगम सुल्तान खुफिया तौर पर आमसिया गई है। शहजादे मुस्तफा से उसका कोई ताल्लुक है ये कहा जा रहा है। जंग के जमाने में ऐसी अफवाहें कस्तन फैलाई जाती हैं। कतन उन पर एतबार मत करो। मेरी औलाद के खिलाफ साजिश हो रही है। अच्छा, तहमास जानबूझकर ये सब करने की कोशिश कर रहा है क्या? तहमास हर तरह का रजील काम करने की फितरत रखने वाला इंसान है, लेकिन मेरी औलाद ऐसी नहीं है। कभी भी दुश्मन के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकती। ऐसा सोचने वाले का भी सर कलम कर दूंगा। Thank you.
पाशा मोहतरम, कारवान महल में घोड़े बदलने वाला अजम सिपाही यही था, वहां से उसका ताकुब कर रहे हैं हम। बहुत खूब। क्या हो गया हकीम साहब, रईस के जहाज पर गया तो वहाँ कोई ना था। आका ने पीरी रईस को हिंद में अमीरुल बहर तैनात कर दिया है, पाया तख्त से उन्हें भेज दिया गया है। ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई? ऐसा लगता है कि वो अफशा हो गए हैं। ऐसा होता तो उन्हें जिंदा ना छोड़ते। और सिर्फ हमारे ही रईस नहीं है अब्दुल्ला, उस दिन इजलास में जितने भी शामिल थे उन सबको पाया तख्त से दूर भेज दिया गया है। सिर्फ एक के अलावा। कौन? कारा अहमद पाशा। उसे जिस दिन इजलास में कबूल किया उसी दिन से शुरू हो गया सब कुछ। जाहिर है कि वो सुल्तान सुलेमान का आदमी है, दोस्त बनकर करीब आया था, हमारे बारे में सब मालूम किया, उसके बाद उसने वो सब कुछ जाकर आका को बता दिया अब्दुल्ला। और आप? मैं? मुझे बरतरफ कर दिया, बोस्निया के महल भेजा जा रहा है। जैसा तुम समझ रहे हो अब्दुल्ला, हम सब बिखर चुके हैं, हमारा मकसद आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं बचा। ये क्या हो रहा है हाकिम साहब? आका को इस सूरत हाल का मालूम होता तो सबके सर कलम करवा दिए जाते, खून बहाया जाता, इसका शक ही काफी होता। जाहिर है कि सफर के जमाने में कोई हादसा रूनुमा हो वो ये नहीं चाहते, और अगर खुफिया मंसूबा सामने आ जाता तो खानदान का वकार मलिया मेट हो जाता। आओ। शहजादे मोहतरम, दूर भेजने की खबर थी मुझे, मुस्तफा ब्रादर की वजह से हुआ है मुझे अंदाजा हो गया था। तुम्हारी इन बातों के बाद मुझे यकीन हो चुका है, मुस्तफा ब्रादर उनका हदफ है अब्दुल्ला। रुस्तम पाशा ने लश्करगाह से मकतूब भेजा है आका को कि वहां के सिपाही ब्रादर मुस्तफा से हौसला लेकर बगावत कर रहे हैं, आका के जहन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें शहजादे मुस्तफा का दुश्मन बनाना चाहते हैं। अब मैं ब्रादर को कुछ नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि वालिदा महल से जाने वाले हर मकतूब से बाखबर रहती हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। आपने अपनी जिंदगी में एक शख्स को अहमियत देकर अपनी वालिदा को भी अपने खिलाफ कर लिया है, इंसाफ की खातिर आप अजीम बादशाह जैसे वसीउल कल्ब और अकल के मालिक हैं। कितना अरसा यहां रहोगे तुम? मैं यहां ज्यादा अरसा नहीं रहूंगा, अगर आप मुझसे रابطہ करना चाहें तो कालाता में क्रिकोर के मेखाने में किसी को भेज सकते हैं। अमीरुल बहर सिनान पाशा को मेरी आमद की खबर दो। आओ। पाशा मोहतरम, बोस्तान के सिपाही महमूद आगा है, फौरन भेज दो उन्हें।
अमीरुल बहर पाशा, जिस मकतूब का इंतजार था वो आखिरकार हमारे हाथ आ चुका है। तुमने अजीम काम किया है महमूद आगा। ब्रादर रुस्तम को क्या खबर भेज दिया तुमने? आका ने तहाल सफर पे जाने का कोई फैसला नहीं किया है। अगर वो नहीं गए तो हमारा बनाया हुआ मंसूबा साया हो जाएगा। मकतूब भी अभी तक नहीं आया। अगर आप चाहें तो तैमास की मुहर भी ले आती हूं वालिदा। तुम्हें किसी ने जबरदस्ती नहीं भेजा था महरमा, भूल गए क्या तुम? तुम खुद अपनी मर्जी से गई थी अपने ब्रादर के महल में। और वैसे भी मैंने तुमसे कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा महरमा। तुम रुस्तम का बहाना करो, सूरत हाल ठीक नहीं, तुम उसके लिए परेशान हो, ये कह दो आकर से काफी होगा। शहजादी, अमीरुल बहर आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर भेज दो। सिनान पाशा का यहाँ क्या काम? क्या वो अक्सर मुलाकात के लिए आता रहता है यहाँ? वो अक्सर नहीं आता वालिदा, जाहिर है कि रुस्तम की जानिब से कोई खबर आया होगा। शहजादी, मल्लिका, आगा ने मुझे बताया कि आप यहाँ मौजूद हैं तो मैं आ गया। खैर होगी, कोई अहम मसला है शायद? खैर की खबर है मल्लिका, जिसका इंतजार था वो मकतूब आ गया है। शुक्र है, फौरन जाकर सुकुनू पाशा को खबर दो कि वो यहाँ आए। हमें ये मकतूब बिला ताखीर आका तक पहुँचाना होगा। अगर आप इजाजत दें तो ये मकतूब मैं खुद जाकर आका तक पहुँचा देता हूँ मल्लिका। जरूरत नहीं, आका का सबसे काबिल एतमाद शख्स होना चाहिए। सुलेमान, खुश आमदीद हुरम। हम साथ कहवा नोश कर लें, ये सोच कर आई हूं। जरूर आओ। अब तुम जा सकते हो। मसीह में एक अजम की शहजादी गई है तुमने कहा था, बल्कि शहजादे मुस्तफा का उस शहजादी से भी कोई ताल्लुक है। कुछ मालूम हुआ है क्या? नहीं, कोई मालूमात नहीं है, लेकिन मेरी तवज्जो उसी पर है। यह अफवाह जिस किसी ने भी फैलाई है उसे मैं खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैं सूरत दीगर में कुछ और सोचना भी नहीं चाहती हूँ।
की अच्छी खुशबू है। पसंद आया, खुशी हुई। सफर के सिलसिले में क्या फैसला किया? मेहरमा से मिलकर आ रही हूं। काफी परेशान थी, हुमा शाह भी रो रही थी। रुस्तम पाशा कैसा है, क्या सूरत हाल है, वो लोग जानना चाहते हैं। उसकी मदद करनी चाहिए हमें। मैं समझ रहा था कि तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं। मैं ये हरगिज नहीं चाहती हूं, लेकिन मुझे डर है सुलेमान के जो हादसा रोनुमा हुआ वो कोई अच्छी अलामत नहीं है। पाशा ने जो कुछ बताया, अगर बगावत हो गई तो हमारा क्या हाल होगा? किसकी जरूरत है बगावत करने की, और जब तक मैं जिंदा हूं ऐसी जरूरत कौन कर सकता है? अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। आपकी मौजूदगी में किसी की भी जरूरत नहीं हो सकती बिल्कुल, लेकिन आस्तीन में छुपे हुए सांप से कौन बचा सकता है खुद को? आओ। मेरे आका, मसाहिब खास वजीर महमद पाशा काफी अहम मौजू के मुतालिक आपसे मुलाकात चाहते हैं। आने दो। आका, खैरियत है? सुकुल्लू इतना अहम मसला था कि इंतजार नहीं कर सकते थे। वो मुनासिब ना होता इंतजार करने का। तुम्हारी भी तस्वीर ली जाओ, तलाश करो उसको। तुम भी जाओ, चारों तरफ फैल जाओ, हर तरफ से शादी को तलाश करो जल्दी। ये क्या है? कुछ देर कबल ही मौसूल हुआ है आका, गफार आगा की जानिब से भेजा गया है। मशरकी सरहद से दाखिल होने वाले अजम के सिपाहियों से तसादुम हो गया था, यह मकतूब उन्हीं से बरामद हुआ है। मोहर हकीकी है, इसकी तस्दीक की जा चुकी है आका। अजम के शाह तहमास्प की है।
शहजादे सुल्तान मुस्तफ़ा मोहतरम से पहले आपका पहला मकतूब मौसूल होने पर मुझे बेहद मुसर्रत हासिल हुई। ये जान लीजिए, सुल्तान सुलेमान हमारी सरजमीन पर हमले की तैयारियां कर रहा है, ये खबर मुझे भी मिल चुकी है। ऐसे हालात में आपकी जानिब से दोस्ती का बढ़ाया हुआ हाथ वापस नहीं किया जा सकता। आपके हक की जिद्दोजहद की खातिर मैं आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। सुल्तान सुलेमान की तख्त से माजूरी आपकी तरह मेरी भी। लेकिन सुल्तान सुलेमान की धीमी तोके में नजरबंदी के ख्याल से मैं पूरी तरह मुत्तफिक नहीं हूं। सुल्तान सुलेमान जब तक जिंदा रहेगा हमारे लिए खतरे का बायस होगा। हमारी दोस्ती पर भरोसा कर सकते हैं आप शहजादे मुस्तफा मोहतरम। आप मुझसे जिस मदद के तलबगार हैं उसके लिए मैं दिलो जान से हाजिर हूं। उससे फायदा होगा ये अल्लाह ताला से दुआ करता हूं। शाह तमाश। तखलिया चाहता हूं। शाह ने तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा मुफस्सल जवाब दिया है। मैंने आपसे कहा था मल्लिका,
रियासत का वक्त खत्म हो चुका है दिली सागर, निमितों के पहुंचने से पहले खत्म कर दो। जो फरमान मेरे बादशाह सलामत। सुलेमान, आप ये हुक्म कैसे दे सकते हैं आका? सुल्तान बेयाज़त खान आपके बाबा हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उन पर यह जुल्म कैसे कर सकते हैं? मेरे पिसर सुलेमान, अब मैं उनका एक शहजादा नहीं रहा, बादशाह हूं। इख्तदार अब मेरे इख्तियार में है। याद रखो, इख्तदार में शराकत नहीं होती। लेकिन आपका मुहैदा हो चुका है, सुल्तान बेयाज़त ने जिला वतनी को कबूल कर लिया है। क्या मालूम कि वो लश्कर के साथ वापस आ जाए। मगलूब हो चुके हैं वो। मगलूब होने वाले के दिल में सिर्फ एक ही चीज होती है, इंतकाम। बाबा, वक्त आने पर जवान शेर बूढ़े शेर को मार देता है। दुनिया का कानून है ये, इख्तदार का भी यही कानून है। तलातम जारी रहेगा, कब तक मेरी आहों और मेरी फरियादों का धुआं अपनी हरारत से फलक को पिघलाता रहेगा? आखिर कब तक एक काबिले एहतराम जिंदगी का यही सिला मिलता रहेगा? मौत की तरह तुम मुझसे कितने फासले पर हो। मेरी तमाम जिंदगी फरेब की वादियों में घूमते हुए गुजरी, क्या फरेब की वादियों में ही गुम होकर खत्म हो जाऊंगा मैं? क्या मेरा पिसर मेरी मौत का फरमान जारी करेगा, जिस तरह मेरे वालिद ने मेरे दादा सुल्तान बेयाज़त खान की मौत का फरमान जारी किया था? ऐ मेरी रूह के सुकून, कब से तुम भी फरेब करने लगे और ये कब से हुआ? कब तुमने अपना हाथ दुश्मन के हाथ में थमा दिया? तुम किस रात का इंतजार कर रहे हो मेरी पुश्त में खंजर घोंपने के लिए? कल रात के पिछले पहर खौफ की एक लहर ने मुझे बेदार कर दिया। अजीब लहर थी। आखिर कब तक अपना खून अपने ही खून को फरेब देता रहेगा? मेरे दिल से आहों का धुआं उठने लगा। मेरे सब्र की तनाव अब टूट चुकी है। मेरी मौत से कबल किसी और की मौत नाकुसीन है।
जल्दी शहजादे साकित रहे आप, रस्सी लेकर आओ जल्दी। शहजादे आप भूलिएगा नहीं, इधर जाओ लो। ये लो, इसे पकड़ लो, खींचो।